Good morning, children. Hope you are fine and safe at your home. I am your Gaurav teacher, and today I am going to teach you Chapter 13, Kind Acts. Do you know, children, what are kind acts? Kya hote kind acts? Kind acts wo hote children, hamare kuch acche kaam jo humko ki help karte hain. So there are many animals around us. हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जस्ट लाइक अस, वो भी हमारी तरह होते हैं. दे ऑल्सो फील हैप्पी, एंग्री एंड सैड. दे कैन नॉट स्पीक, सो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. वो भी हमारी तरह फीलिंग्स को फील कर सकते हैं. वो बोल नहीं सकते, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. कौन? एनिमल. ओके, सो दे हेल्प अस इन मेनी वेज. We should be kind to them. They can become our good friends. So हम उनके लिए kind होना चाहिए, बहुत kindness तैयार होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो children बोल नहीं सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ बहुत ही bad behavior करेंगे, ठीक है? बहुत बुरा बर्ताव करेंगे. हमें उनकी help करनी चाहिए. So they can become our good friends. So let's start our story, children. It's Andropause and the Lock. Long ago in Rome, there was a clown merchant. The merchant had a slave. बहुत समय समय की बात है children. Rome is the name of place. Rome में एक merchant रहता था. Merchant means व्यापारी, ठीक है, जो business करते हैं. तो एक merchant रहता था and children, उसके पास एक slave था. Slave means गुलाम. His name was Andropause. What was his name? His name was Andropause. उसका नाम Andropause था. His master always beat him daily. One day he ran away from his master. उसका जो master था वो हमेशा उससे बहुत ही बुरी तरह से behave करता था. So one day Andropause वहाँ से भाग गया, ठीक है? After walking for long, he reached a forest. He took shelter in a cave. बहुत देर तक चलने के बाद वो इस forest में. कौन चल रहे? इट वॉज Andropause. एंड ही टुक शेल्टर इन अ केव. वो केव मीन्स गुफे में उसने शेल्टर ले लिया, मीन्स वहाँ पर वो जाकर रहने लगा, ठीक है? आफ्टर सम टाइम चिल्ड्रन अ वाउंडेड लायन एंटर द केव. कुछ टाइम के बाद एक बहुत ही वाउंडेड मीन्स बहुत ही घायल शेर जो था उस गुफे में आया. द लायन वॉज रोरिंग इन पेन एंड टू सॉ दैट देयर वाज अ बिग हॉर्न इन द लायन्स पॉ. तो जो लॉयन का चिल्ड्रन वो बहुत ही पेन में ग्रोइंग दहाड़ डाल था. एंड्रोपस ने देखा कि उसके पॉ में, उसके पंजे में एक कांटा चुभा हुआ है, ठीक है? ही टुक आउट द थॉर्न एंड क्लीन द वॉर्म. आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड द लॉयन लेड हिज फीट. उसने उस कांटे को बाहर निकाल दिया एंड्रोपस के चिल्ड्रन और उसके घाव को साफ कर दिया, ठीक है? आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड द लॉयन लेड हिज फीट. और लॉयन ने बदले में क्या कहा, उसने थैंकफुल बहुत ही फील करा था लॉयन, तो उसने उसके फीट को चाटा. लेग मीन्स चाटना, ठीक है? उसके फीट को चाटने लगा. ओके, स्लोली दे बिकेम फ्रेंड्स. और धीरे धीरे वो बहुत ही दोस्त बन गए. दे लिव टुगेदर फॉर मैनी डेज. वन डे Andropause वॉज कॉल्ड. द मर्चेंट मैन टुक हिम टू द मर्चेंट. एक दिन Andropause पकड़ा गया और उसे पकड़ के वो लोग कहाँ ले गए, Andropause को मर्चेंट के पास, जहाँ से वो भागा था चिल्ड्रन, ठीक है? सो एज अ पनिशमेंट फॉर रनिंग अवे ही वॉज थ्रोन बिफोर अ हंग्री लायन. तो पनिशमेंट के लिए उसे उसके साथ क्या किया गया, Andropause के साथ क्या किया गया चिल्ड्रन? Andropause को एक भूखे शेर के सामने फेंक दिया गया, ठीक है? द लायन लुक्ड एट हिम एंड स्टार्टेड मेकिंग हिज स्पीच. लायन ने जैसे उसे देखा वो उसके पैर को फीट को चाटने लगा. इट वॉज द सेम लॉयन हू Andropause हैड हेल्प इन द फॉरेस्ट. तो चिल्ड्रेन, ये वही शेर था जिसने Andropause की फॉरेस्ट में भूखी थी. दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड मेकिंग हिज स्पीच. सो द मर्चेंट वॉज प्लीज्ड टू सी दिस. ही सेट Andropause फ्री. मर्चेंट जो थे था वो देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसने Andropause को फ्री कर दिया, मीन्स उसे छोड़ दिया. सो हियर योर चैप्टर रिमेंडेड चिल्ड्रेन. And what did you learn from this chapter? We are rewarded for our kind acts. जब हम किसी के साथ
हमारा बॉडी अच्छा बिहेव करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड जरूरी नहीं है कि वो आपकी स्किन के फॉर्म में होगा। रिवॉर्ड आपको बहुत सारे फॉर्म में मिल सकता है। कोई आपकी प्रशंसा कर सकता है, मींस एनीवन कैन प्लीज प्रेज यू वेरी वेल। सो यू शुड बी ऑलवेज बिहेव लाइक अ काइंड पर्सन चिल्ड्रन एंड वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स एंड यू शुड बिहेव वेल विद अदर्स। आई होप यू आर टेकिंग माई वर्ड्स। हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव कर